कोरोना महामारी से देश को सुरक्षित करने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर सुविधा अनुसार वैक्सीनेशन लगाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की मुहिम चल रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके, इसलिए बीएसए कार्यालय, प्राथमिक विद्यालय और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एमडी कार्यालय पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां कर्मचारी और पत्रकार बंधुओं को तत्काल रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेट किया जा रहा है। बीएसए कार्यालय के समीप प्राथमिक विद्यालय में बने वैक्सीनेशन केंद्र पर बीएसए कार्यालय के कर्मचारियों और पत्रकार बंधुओं ने वैक्सीन लगाकर अन्य लोगों को जागरूक किया। वैक्सीनेशन कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ और सुरक्षित लग सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें निरीक्षण में लगी हुई हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही वैक्सीनेशन केंद्र पर साफ दिखाई दी। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन कार्रवाई को सुरक्षित और सफल संपन्न कराने के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। आनन फानन में शुरू किए गए बीएसए कार्यालय वैक्सीनेशन केंद्र पर समय से इंजेक्शन कटर और वैक्सीनेशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण करने आए स्वास्थ्य अधिकारी ने वैक्सीनेशन कार्रवाई की जानकारी दी। मैं डॉक्टर जनार्दन बाबू, एडिशनल CMO आगरा। आज कोविड-19 वैक्सीनेशन केंद्र बीएसए कार्यालय आगरा में मनाया गया हुआ। यहाँ पर दो बूथ हैं। इन दोनों बूथ पर, एक पर 18 से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन हो रहा है और दूसरे पे 40 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या संसाधन यहाँ उपलब्ध कराए हैं? यहाँ संसाधन में वैक्सीन है, सिरिंजेस हैं, ग्लव्स हैं, कार्ड हैं और अन्य वेरीफायर के पास कंप्यूटर वगैरह और ये सारी सुविधाएं हैं। कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, क्या टारगेट रखा गया था? अभी तक 18 से ऊपर वाले लाभार्थी 25 आए हैं और 45 से ऊपर वाले 16 आए हैं और अभी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि ये 100 का आंकड़ा पूरा प्राप्त कर लिया जाएगा। चूँकि ये विशेष वर्ग के लिए है, शिक्षा विभाग के लिए है, शिक्षा विभाग के संबंधित अध्यापक लिपिक वर्ग है, ये सब लाभान्वित के लिए भी यहाँ साथ रखा गया था। वो अब आगे प्लान जैसी भी होगी बताई जाएगी। अभी वैक्सीन आपने निरीक्षण किया है, किस तरह पाया है, क्या कमियाँ पाई गई, क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी जरूरत थी वो नहीं है, ऐसा कुछ था क्या? अभी निरीक्षण में ये पाया है कि सारी सब कुछ साधन सब उपलब्ध हैं। कार्ड डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले लेके आए हैं, कार्ड भी उपलब्ध हो गए हैं, लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। विशेष तौर से सिरिंज काटने का कटर होता है जो अब कटर भी है, कटर आ गया है, दोनों साइड में आ गया है एक ही जगह। फिलहाल भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई कोविशील्ड ब्रांड की वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरी डोज 84 दिन बाद लगाने का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की छोटी सी लापरवाही किसी की जान के लिए घातक साबित हो सकती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।